सो हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी योर होस्ट हर्ष एंड यू आर वाचिंग टेक ड्रॉप्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंस्टाग्राम की कुछ ऐसी 6 ट्रिक्स जो कि आप लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं तो आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंस्टाग्राम को डेली यूजेज में यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप लोग कुछ लोग ज़्यादा ही यूज़ करते होंगे, तो जो इसका लाइट यूआई है वो आंखों पे कभी कभी इफ़ेक्ट डालता है और आप लोगों को डार्क मोड चाहिए होगा इसमें। बट इसमें सेटिंग्स में आगे कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है डार्क मोड का, तो आपको मैं बता देता हूँ आप इसको कैसे अनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपके फ़ोन में डार्क मोड का सपोर्ट होना चाहिए, या तो अगर आप MIUI यूज़ कर रहे हैं उसमें भी है, और अगर आप वीवो वगैरह का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी है। अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें भी डार्क मोड देखने को मिल जाता है। तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले में जाना है, और वहाँ पर आपको डार्क मोड का ऑप्शन होगा, आपको उसको एनेबल कर देना है। और अब आप दोबारा जब अपना इंस्टाग्राम खोलेंगे तो वहाँ पर आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये डार्क मोड हर जगह वर्क करता है, DM सेक्शन में, चैट्स वाले सेक्शन में भी वर्क करता है, होम सेक्शन पे, स्टोरी सेक्शन पे, मतलब हर जगह ये डार्क मोड जो है वो वर्क करता है। और ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है और आपकी आंखों पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक। तो इस ट्रिक में क्या है कि अगर आप लोग किसी को अपनी स्टोरी को शो करना चाहते हैं बट उस आदमी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उसको उसकी स्टोरी में टैग करा है। सो आपको करना क्या है, अपनी कोई भी फ़ोटो अगर आप डालते हैं तो आपको क्या करना है, उस आदमी का मतलब किसी लड़की या लड़के को आप शो करना चाहते हैं उसका यूज़र नेम आपको टाइप करना है, @ लगा के उसका यूज़र नेम टाइप करना है, और उस यूज़र नेम को आपको इतना छोटा कर देना है रिसाइज करके कि वो दिखे ही ना। आपको उसको पहले रिसाइज कर दीजिए बहुत छोटा, अगर आप वो फिर भी दिख रहा है तो क्या करना है, उसके ऊपर आप कोई स्टिकर इमोजी लगा दीजिए, उससे आप वो उस आदमी को उसका जो यूज़र नेम है शो नहीं होगा कि आपने उसको टैग कराया, बट उसको नोटिफिकेशन चली जाएगी इस आदमी ने आपको टैग कराया, बट वो सोचेगा कोई बग वगैरह होगा और वो आपकी स्टोरी देख लेगा और आपका जो काम है वो हो जाएगा, उस आदमी को पता। जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर मतलब आप लोग इंस्टाग्राम पे लोगों के साथ चैट करते होंगे तो इंस्टाग्राम पे एक फीचर है कि आप चैट को अनसेंड कर सकते हैं, चाहे वो कितनी देर हो गई हो, मैसेज सेंड करे हुए सीन हुए हो, तो आप उसको अनसेंड कर सकते हैं। तो लोग इसका गलत फ़ायदा यूज़ उठाते हैं। अगर आप लोगों से कोई भी बंदा कुछ बात ऐसी कह देता है जो आपको अच्छी नहीं लगती तो वो उस चीज़ को अनसेंड कर देता है, और अगर आप उससे फिर से कहते हैं कि तुमने ये बात कही थी, वो कहता है मैंने तो कही नहीं, प्रूफ कहाँ है, तो आप लोग के पास प्रूफ नहीं होता है। तो ये जो ऐप है आपको इस प्रूफ को लाने में मदद करेगा। ये क्या करता है कि अगर जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में, ये बैकग्राउंड में रन होता रहता है, और जैसे ही आप लोगों को कोई मैसेज आएगा तो ये जो ऐप है ये अपने जो फ़ोन में ही उस चैट को सेव कर देगा, चाहे तो वो आदमी मैसेज को अनसेंड कर दे, कुछ कर दे, इस ऐप में जो है वो जो चैट्स हैं वो सेव रहेंगी आपके इंस्टाग्राम में। चैट्स हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई आप फ़ोटोज़ वगैरह को भी सेव कर सकते हैं अपनी इंस्टाग्राम की। तो इस ऐप में अगर कोई बंदा अपना अकाउंट भी डिलीट कर देता है तो भी उसकी चैट्स यहाँ पर सेव रहेंगी। तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसका नाम है इंस्टा सेव, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, या फिर आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो या ठीक है। और जो नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नहीं है बेसिकली, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि जैसे इंस्टाग्राम पे लोग आपकी स्टोरी वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो स्टोरीज हैं वो किस तरीके से अलाइन होती हैं, वो टाइम के हिसाब से अलाइन नहीं होती हैं कि किस बंदे ने आपकी स्टोरी कब देखी, वो इस हिसाब से अलाइन होती हैं जो फर्स्ट 4 to 5 पीपल होते हैं वो जो स्टोरी आपकी देखते हैं, वो लोग होते हैं जो लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को स्टॉक करते हैं या फिर ज़्यादा जो है आपकी स्टोरीज आपकी प्रोफाइल को बार बार देखते हैं। तो इससे अगर आपकी कोई क्रश वगैरह है तो अगर वो आपकी स्टोरीज पे टॉप पे आ रही है तो इसका मतलब वो आपके अकाउंट को स्टॉक करती है, तो आप लोग भी उसका क्रश है तो आप बात कर सकते हैं। तो या बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आप लोग अपना सकते हैं। सो जो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर आप लोग किसी की स्टोरीज देखते हैं इंस्टाग्राम पे तो उसको मतलब शो होता है कि इस बंदे ने आपकी स्टोरी को देखा है, ठीक है, तो
अब इस ट्रिक से क्या होगा कि अगर आप लोग किसी की स्टोरी को देखेंगे तो उसको शो नहीं होगा कि आपने उस बंदे की स्टोरी को देखा हुआ है। सो आपको करना क्या है, पहले अपना इंटरनेट ऑन करना है, अपना इंस्टाग्राम को होम पेज ओपन कर लेना है, थोड़ा टाइम देना है ताकि जो सारी स्टोरीज़ हैं वो लोड हो जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना मोबाइल डेटा जो है या फिर वाईफाई को ऑफ़ कर देना है। मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। ऑफ़ करने के बाद क्या होगा कि जब आप किसी की स्टोरी को देखेंगे तो उसके अकाउंट में शो नहीं होगा कि आपने उस बंदे की स्टोरी को देखा हुआ है। सो ये ट्रिक बहुत अच्छी है अगर आप अपनी क्रश या फिर किसी और की स्टोरी को देखना चाहते हैं, उसको नहीं पता चले कि आप उसको स्टॉक कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि आप लोग अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज को स्टाइलिश बना सकते हैं, लाइक कुछ फॉन्ट्स में क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ येलो, और येलो को मैं यहाँ पर एक वाइट कलर चूज़ कर लेता हूँ, एक वाइट फॉन्ट इसको बड़ा कर देते हैं, फिर एक कोई और कलर का फॉन्ट आप लोग चूज़ कर सकते हैं, उससे आप थोड़ा सा ओवरलैप करिए, प्लेस करिए, थोड़ा ऊपर नीचे करिए, तो आपका जो दो फॉन्टों का कॉम्बिनेशन होगा बहुत अच्छा दिखने वाला है। दो कलर फॉन्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और एक और ट्रिक है इसमें कि अगर आप लोगों को इमोजी को ग्लो करवाना है तो आपको क्या करना होगा, कोई भी इमोजी का टेक्स्ट वहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, उसको जो फॉन्ट चूज़ करना है वो नियॉन फॉन्ट चूज़ करना है, तो आपकी जो इमोजी है उसके पीछे खुद ब खुद ग्लो हो जाएगा। सो ये ट्रिक आप लोग अपना सकते हैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज को और स्टाइलिश बनाने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड कोई भी क्वेरी हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज़ मी योर होस्ट हर्ष, एंड आई एम साइनिंग आउट। बाय।